मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के प्रदेश के निवेश को लेकर अग्रणी उद्योग समूहों के आवंटन प्रदान कर शुभकामनाएं दी। उद्योग समूह द्वारा प्रदेश में निवेश के रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। बाबा महाकाल की नगरी में आज एक नया इतिहास बन रहा है। आज के कार्यक्रम में हर सेक्टर से जुड़े उद्योगपति उपस्थित हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश में विकास की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है। पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहाँ कर रहा है, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे। और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1,00,000 करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस सम्मेलन में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है, लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष, ये अपने आप में बड़ी बात। लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें अपने इस नए अभियान के लिए, 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले कर रहे हैं लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उसका